हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वजीज बरेली फिंच में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं अपने कबूतर दिखा रहा हूं। देखिए मेरे कबूतर आपको कैसे लग रहे हैं। और मेरे पास इस टाइम गोला के कबूतर हैं, जो गोला ब्रीड बोलते हैं हम यूपी में, तो इसे गोला ही बोलते हैं। आपके इधर एरिया में क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे पास गोला ब्रीड के कबूतर हैं, आप देख सकते हैं। और मेरे पास दुबाज गोला हैं, काले दुबाज, और कुछ हैदराबादी भी हैं मेरे पास, और कुछ नीले गोला भी हैं, और कुछ लाल में भी हैं गोला कबूतर मेरे पास। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं अपने पिजन को विंटर सीजन में कौन कौन सा सीड मिक्स देता हूं। तो फ्रेंड्स, मैं पीली सरसों और पीली सरसों देता हूं, और बाजरा देता हूं, देसी बाजरा जो महीन आता है, बाज़ार में मिल जाता है आसानी से, नहीं तो आपको किसी पैट शॉप वगैरह पे भी मिल जाएगा। और जहाँ पर मतलब कबूतर बिकते हैं, ये आपके इधर एरिया में जहाँ पर भी कबूतर बिकते होंगे वहाँ पर भी आपको वो देसी बाजरा मिल जाएगा। तो देसी बाजरा आपको 1 kg लेना है, और गेहूँ भी 1 kg लेना है। इन दोनों को मिक्स करके बस यही पीजन को खिलाना है। विंटर सीजन में मैं तो यही खिलाता हूँ अपने पीजन को। और इसके अलावा आपको डेली पीजन के सेटअप में ताज़ी पानी निकाल कर नल से बो देना है, ताकि आपके कबूतर एकदम स्वस्थ रहें, फिट एंड फाइन रहें। और आपको सुबह शाम दोनों टाइम कबूतरों को चुगाना है। और अगर ज़्यादा आपके एरिया में ठंड पड़ रही है, मैं तो उत्तर प्रदेश बरेली डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, मेरे इधर तो आज काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रही है, मैंने अपना सेटअप बिल्कुल कवर करके रखा हुआ है पॉलीथीन से। आप देख सकते हैं, आगे वीडियो में आपको दिखाई देगा कि मेरा सेटअप किस तरीके से पॉलीथीन से कवर हुआ है। मैंने इसीलिए कवर कर दिया है क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही है मेरे इधर इलाके में, इसलिए मैंने अपने फ्रीजन का सेटअप कवर करके रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ कि मैं अपने पीजन को क्या क्या सीड मिक्स देता हूँ, और किस तरीके से बर्ड्स की केयर करता हूँ, और मतलब विंटर सीजन में आपको क्या क्या करना है। आपको जो मैंने सीड मिक्स बताया वो सीड मिक्स देना है सुबह शाम, और उसके अलावा अपना सेटअप, जो भी पीजन सेटअप है आपका, कबूतरों का सेटअप है जो, वो कवर करके रखना है। और उसके अलावा आपको सुबह में जब आप दाना डालने जाते हैं तो सुबह में आपको ताज़ी पानी निकाल कर देना है, नॉर्मल पानी ही देना है, कहीं ऐसा ना हो आप कि कुछ लोगों के पास टंकी भी होगी तो टंकी का पानी दे दें, ऐसा मत करना। नल से निकाल कर ही आपको ताज़ी पानी देना है, जिससे आपके कबूतर एकदम फिट रहें। और फ्रेंड्स, इसके अलावा अपने सेटअप को ज़्यादा से ज़्यादा पीजन के सेटअप को कवर करके रखें, क्योंकि इस समय कबूतरों को सबसे ज़्यादा बीमारी लग रही है। आपको बता दूं, मेरे सेटअप में भी एक बीमारी लग गई है, वो आई इन्फेक्शन होता है, वो कबूतरों में सबसे ज़्यादा इस टाइम देखने को मिल रही है। मेरे सेटअप में भी देखने को मिली थी, लेकिन मैंने अपने सारे पीजन एक पिंजरे में करके अलग रख लिए, जो हॉस्पिटल केज बोलते हैं उसमें रख लिए, और जो स्वस्थ कबूतर थे, मेरे सही कबूतर थे, वो मैंने अपनी कॉलोनी में ही रहने दिए, और जो मेरे बीमार कबूतर थे वो मैंने अपने पास हॉस्पिटल केज में रख कर उनका ट्रीटमेंट किया, और जब सही हो गए उसके बाद मैंने अपने वो वाले पीजन सेल कर दिए। तो फ्रेंड्स, मैंने सारे अपने जो भी मेरे पास बीमार कबूतर थे वो मैंने सही करके और फिर मार्केट में सेल कर दिए।
अगर आपके पास भी अगर बीमार कबूतर हैं और उनका ट्रीटमेंट आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अगर कोई भी मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं बर्ड से रिलेटेड, चाहे आपके पास पीजन हो, चाहे आपके पास बजरी तोते हों या फिंचिस हों या जावा हों या कोकोटेल हों, कोई भी एनी बर्ड, कोई भी बर्ड हो, फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये है मेरे पीजन का सेटअप। मैं अंदर से दिखा रहा हूँ जहाँ मेरे पीजन ब्रीड करते हैं, वह मैं अंदर से दिखा रहा हूँ। मैंने इसमें 4, 8, 12, 16, 24, 24 और 4, 28 खानों का बना रखा है। आप कमेंट करके बताइए मेरा पीजन का सेटअप आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताइए, और मेरे पीजन आपको कैसे लगे। आप नीचे देख सकते हैं 2 चिक्स बैठे हुए हैं मेरे पीजन के, और एक मादा बैठी हुई है जो अंडों को इनक्यूबेट कर रही है, और एक अंदर आप देख सकते हैं एक मादा बैठी हुई है जो अभी घोंसला रख रही है। विंटर सीजन में मेरे यहाँ तो काफ़ी अच्छी ब्रीड चल रही है, आपके यहाँ कैसी ब्रीड चल रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट टाइम यूट्यूब में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके डायरेक्टली मोबाइल या कंप्यूटर तक पहुँच जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह। मिलते हैं किसी नया वीडियो नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। गुड बाय फ्रेंड्स।